बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अवैस आजा। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है गोभी और गोश्त। चिकन और गोभी कैसे बनाई जाती है, बनाना बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनती है। सबसे पहले हमने गोभी का फूल जो है वो काट लिया है, फूल गोभी इसे कहते हैं। ये हमारे पास चिकन है, इसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। प्याज को भी ऐसे काट लिया है। ये सब्ज मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बन तैयार कर लिया है। टमाटर हैं हमारे पास छोटे छोटे काट लिए। ये लाल कश्मीरी मिर्च है हमारे पास। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और ये हमारे पास धनिया पाउडर है। ये चिकन मसाला पाउडर है और ये इलायची और लौंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक कप ऑयल ले लिया हमने। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को सुनहरी होने तक भून लेंगे इसमें। प्याज हमारा सुनहरी हो गया है, अब इसमें हम कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करने लगे। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तकरीबन 2 मिनट इसी तरह चिकन को जो है वो पकने देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें हम लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करने लगे। 2 मिनट जो है वो चिकन को हमने पका लिया और इसे शामिल कर मिक्स करें। तकरीबन 2 मिनट और इसी तरह इसको पकने देंगे। दो मिनट हो गए, अब मैं इसमें ये मसाले तमाम नमक मर्च और बाकी जो मसाले हमारे पास साथ शामिल करने लगा हूँ। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन मसालों को अच्छी तरह करेंगे मिक्स। मसाले जो है हमने सब शामिल कर लिए, अब हम इसमें कटी हुई गोभी शामिल करने लगे। हमारे लगे गोभी को इन मसाले में करेंगे मिक्स अच्छी तरह। गोभी और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, अब मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ और आप इसको गार्निश कर देंगे।
हमारे पास ये सफ़ेद मिर्च हैं इस तरह से, ये धनिया कटा हुआ, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। गोभी गोश्त घर में ज़रूर ट्राई करें और इन बात में मेरे साथ अपनी रेसिपी जो है वो शेयर करें कैसी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।